डिसअपॉइंट करने के लिए टू मच रिस्क लाइफ में थोड़ी किक यार ऐसा तो नहीं पूरा हेयर फॉल हो जाएगा हमारा इसके बाद ये चम्मच का कलर देख रहे हो गाइस इट्स ब्लैक हाय एवरीवन वेलकम एंड वेलकम टू अंशिकास चैनल तो गाइस अच्छा चालू है हाँ चालू है अब तो यही होगा आज तो नेचुरल वीडियो रिकॉर्ड डे हमारा लेट्स गेस हम अपनी मम्मी को डिसअपॉइंट करने के लिए यार मैं तो मम्मी को फोन भी लगाऊंगी आप लगाओगी अभी नहीं बाद में अभी मना कर देगी तो फिर हमें उनकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा कल ही मदर्स डे निकला है ना मैं मम्मी को फोन लगाऊंगी तो बेसिकली आज हम कर रहे हैं हेयर कलर हमारे जो बाल हैं वो बिल्कुल ब्लैक में लाइक मैंने तो कभी नहीं कराया हेयर कलर इनने फिर भी यार मेरे बाल बड़े से क्यों लग रहे हैं क्योंकि बड़े हैं तुम्हारे भाई हमारे कटवाने के बाद तो मैंने अभी जबकि हेयर कट लिया था तो हम लोग हेयर कलर कर रहे हैं आज बेसिकली ये ले रही हैं बरगंडी कलर हाँ। तो हमने दो पैक लिए हैं दोनों गार्नियर के ही हैं ये है ब्राउन एक जो मैं करने वाली हूँ बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम करूँगी तो ऑब्वियसली मैं ब्राउन में जाऊँगी दिस इज द सेकेंड वन जो है बरगंडी तो बरगंडी ये करेंगे इनने ब्राउन ऑलरेडी पहले कराया है सो हाँ यही जाए तो फिर वो अच्छा लग रहा था बट वो याद नहीं है मुझे कि क्या था उसमें वो जो बचपन में मथुरा ले जाती है मम्मी और फिर भूल जाते ना बाद में याद है वैसे ही वाला सीन है कि मैंने बचपन में कभी करवाया था हाँ और एक और चीज़ पहले हम लोग कंफ्यूज थे स्ट्रीक और गार्नियर में बट स्ट्रीक में हम लोग सोच रहे थे लेने का बट अभी हम लोग को पता चला कि इसमें वो नहीं है ब्लीच नहीं है ब्लीच नहीं है हाँ गार्नियर में ब्लीच का ऑप्शन नहीं है सो दिस इज लाइक अ टेम्पररी कलर और स्ट्रीक में ब्लीच के बाद कलर करना पड़ता है बट अब हम लोग इतनी धूप में वापस चेंज करने नहीं जाने वाले हैं और पहली बार कर रही है तो इसलिए कुछ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ना आने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि इसी से ट्राई करते हैं टेम्पररी हेयर कलर से इनकेस अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर हम नेक्स्ट मंथ ब्लीच वाला भी करेंगे वो भी घर पे करेंगे घर पे पहले मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ और इतना पैसा बर्बाद करने तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे रहे तो फिर देखते हैं इसमें तीन चीज़ आई हैं बेसिकली क्या ये इसमें तो पोस्ट कंडीशनर है ये इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन कौन पड़ेगा ये पढ़ते हैं ये है एक डेवलपर मिल्क और सेकंड इज क्रीम हेयर कलर रेड अच्छा इन दोनों को मिक्स करना है मतलब मिक्स करना है यस ठीक है आपने ग्लव्स तो पहले ही नहीं मांगा अच्छा इसमें ग्लव्स आए हैं यस इसमें आए इसमें रखे हुए सारे रुको पहले मैं एक बार मम्मी को भी फोन लगा लूं टू मच रिस्क मेरी मम्मी को वैसे ऑलरेडी आई गेस मैंने बताया था पहले भी कि मैं हेयर कलर करने का सोच रही हूँ मैंने जब करवाया था और मैंने अपनी मम्मी को दिखाया तो मेरी मम्मी ने मेरे को 3 साल तक सुनाया था मेरा अगर एक भी बाल गिरता था तो क्यों गिरता था क्योंकि मैंने हेयर कलर करवाया है हेलो हाँ बोलो क्या कर रही अच्छा अच्छा तो मैं ये कह रही थी कि हम लोग थोड़ा अपना बालों को रंगीन करने का प्लान कर रहे हैं अब क्या करें अब लाइफ में थोड़ी किक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो फिर कैसे एक्सपीरियंस मिलेगा आंटी खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना क्या नहीं नहीं टेम्पररी वाला कर रहे हैं जो आपने गार्नियर वाला नहीं करा था वो तो टेम्पररी रहते हैं ना तो हम लोग रूट से नहीं कर रहे हैं नीचे नीचे बस के कर रहे हैं रूट से तो हम वैसे ही कभी नहीं करेंगे नीचे नीचे बस के कर रहे हैं हम लाल कर रहे हैं और शिवांगी मैम पर्पल कर रही हैं चलो ठीक है फिर फोन लगाते हैं करने के बाद हाँ 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 ठीक हाँ चलो परमिशन तो पहले भी थी अब और मिल गई है मम्मी ने कहा यहाँ से मत करना बिकॉज अगर एक बार कलर लग गया स्कैल्प पे तो डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप भी अगर हेयर कलर करेंगे ना तो प्लास्टिक या फिर ग्लास वाले बाउल को यूज़ करना क्योंकि ना वो स्टील वाले में लग जाता है कलर वो निकलने में बहुत दिक्कत करता है जो भी आप जोमेटो वगैरह से ऑर्डर करते हैं वो वाले जो डिब्बे आते हैं वो यहीं काम आएंगे चलो 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 are you ready guys yes I'm ready चलो हमने ये पढ़ा है इसके जो भी वो हैं इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़े हैं और हमने मिक्स कर दिए शायद इसका उसमें हो गया उसका इसमें हो गया क्योंकि हम शॉर्ट रिकॉर्ड कर रहे थे पूरा यार ये समझाओ पहले मेरे को ये क्या बोल रहा है फॉर शॉर्ट क्या बोलोगे क्वांटिटी बताइए अगर तुम हैक कर रहे हो है ना तो कितना मतलब समय ठीक है जितना दिया है पूरी बात अगर तुम क्या शॉर्ट कर रहे हो तो वैसे ही क्यों गया पूरी बात हां मैं शॉर्ट में हूं तो वैसे चलो आपका मिक्स होगा ना पहले
हाँ भाई, मैं कैसे एकदम से इतना बड़ा रिस्क ले लूँ लाइफ में। भाई ये सारे एक्सपेरिमेंट बालों पे मेरे पे करती है, फिर उसके बाद अपन को एक सेफ्टी पिन चाहिए। 2x3 लेना है ना? हाँ। ये क्या है, इसमें कलर कैसे पहचान हुआ मैं? रुको, माता माता, ये नेचुरल ब्राउन है शायद। हैं? आपको कैसे पता ये नेचुरल ब्राउन? क्योंकि वो हल्का हल्का दिख रहा है। ये क्या बात होती है। अपन पता पहले दोनों निकाल लेते हैं, अपन को फिर डिफरेंस दिख जाएगा, नहीं तो हमारे लाल हो जाए। मैं नहीं करूंगी बरगंडिया। मेरी मम्मी नहीं झेल पाएंगी अभी। चल चल, हमारी मम्मी बोलेगी कि हम यहाँ काले कर करके मरे जा रहे हो, और तुम? हाँ, मेरी मम्मी भी बोलती है हमारे ब्लैक नहीं है और तुम लोग ऐसे कलर कराते रहते हो। हाँ, आंटी की तो प्रॉपर, मतलब मेरी मम्मी के तो वो फॉरेन वाले बाल हो गए हैं पूरे, मतलब रेड एस्थेटिक्स आते हैं उनके। इसमें क्या समझ में आ रहा है यार, ये वाइटी है, मतलब कैसे पता करे अब हमें समझ में नहीं आ रहा। पहले हम बरगंडी भी निकालते, मे बी शायद उसके बाद हम लोग को समझ में आए। सो लेट्स सी, लाइक दिस इज ब्राउन, वो पिंकिश टोन में आ रहा है, बट ये बहुत ही अजीब ब्राउन दिख रहा है। लाइक पता है ये वैसा दिख रहा है जो क्रीम नहीं आती है। आगे से करना है क्या? हाँ देखो, ये लो, इतने से करते हैं अपन, ठीक है? हाँ हाँ, कहीं से भी अभी, या तो ये वाले छोड़ दो, ये हम अलग से कर लेंगे फिर। हाँ, नहीं तो कर ही दो। अच्छा यार, वो ऐसे ना हो जाए यार वाइट से। ऐसा ना कुछ दिखे ना यार, हम तो अगर मेरे वाइट वाले आ गए ना, मतलब वैसा ब्राउन, मैं ब्लैक ले आऊंगी। मैं आज ही ब्लैक कर दूंगी उन्हें वापस। नहीं, मैं फिर ब्लैक नहीं करूंगी, मैं फिर उसमें कोई दूसरा कलर ट्राई करने का। ऐसा तो नहीं अगर एक साथ दो कर लेंगे तो डैमेज हो जाएगा? अब क्या डैमेज है यार, अब तो हो गया महीने भर में फुर्सत हो गई। अब उसी को रैप करना है अपन को। ऐसे अपन घूम ही, हाँ 30 मिनट समय ऐसे ही रहना है। अरे भाई, अच्छा चलो चलो चलो, नेक्स्ट सेक्शन। ओके गाइस, आई एम डन फाइनली, आधे घंटे की मेहनत के बाद। इट्स आई एम द आर्टिस्ट, दिस इज आर्ट। यस, सो इट्स 1:40 नाउ, हम वेट करेंगे टिल 2:30। 1:40 हो गया, 2 बजे से मीटिंग है मेरी। हाँ, तो हम वेट करेंगे टिल 2:30। 2:30 पे मैं हेयर वॉश करने जाऊंगी। यस, और इसका ऑलरेडी एक ये आया है, गार्नियर का क्रीम रिच पोस्ट कलर केयर कंडीशनर, तो हमें ये वाले से ही, मतलब इससे हमें हेयर वॉश करना है बेसिकली, तो हम इससे करेंगे। अब हम चलते हैं शिवांगी मैम का करने के लिए। लेट्स कम भाई, वहां से वो टॉवल उठा लेना, यही टॉवल वाइट है। हाप्स, फाइनली आई एम रेडी। यस भाई, अब गाइस भूख लग रही है। रेडी? यस यस, एक दो तीन बोलो जय माता दी। एक दो तीन चार, काली जी की जय जयकार, लाल फूल पीला फूल, शिवांगी भैया ब्यूटीफुल। यार हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी में कम पड़ जाएगा? है के बालों में कलर लग चुका है। अब हम थोड़ा खाना खाएंगे बिकॉज हम बहुत भूखे हैं, और हम वेट करेंगे फॉर हाफ एन आवर, उनका भी कलर लग गया है, वो थोड़ा और वेट करेंगी, और अब हम फाइनल रिजल्ट्स के बाद ही आपसे मिलेंगे नहा धो के थोड़ी देर से। सो लेट्स कम।
2000 years later. So guys, hair wash हो गया है, बाल सूख भी है. हमारे एक्सप्रेशन से आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या रिजल्ट्स रहे हैं. मेरे को तो समझ में नहीं आई थी मैंने. अगर आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं तो प्लीज टेल मी. वेट, आई जस्ट शो यू. मुझे तो कहीं से भी, मुझे एक लेयर तक ब्राउन की नहीं दिख रही है. मे बी अगर सनलाइट में दिख जाए तो पता नहीं, मैं सनलाइट में भी कैप्चर करके आपके साथ शेयर करूंगी. बट मुझे एज सच कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, लाइक जीरो. यार आपके पता, मैं थोड़े बिल्कुल जो माइनर वाले रहते ना, वैसे तो ये पूरे ब्लू ही दिख रहा है, ब्लैक ही दिख रहा है, बट बहुत हल्का कलर आया, बहुत हल्का. तो मैं तो बिगनर को भी नहीं सजेस्ट करूंगी. नहीं, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम. मतलब एक्सपेक्टेशंस की तो बिल्कुल ही बैंड बज जाती है. हाँ ऐसा है. अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो हेयर कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा तो ऐसा नहीं है. हम सनलाइट में भी एक वीडियो ले रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि एज सच कुछ डिफरेंस नहीं आया. सो इफ़ यू आर प्लानिंग कि गार्नियर का कौन सा वो हेयर कलर जो भी उसका नाम है, ये बिल्कुल ओरिजिनल और एक्चुअल वीडियो, क्योंकि हम लोग सुबह परचेज करने गए थे हम बेसिकली स्ट्रीक का परचेज करने के लिए, बट हमें वो मिला नहीं. तो इसलिए मिला स्ट्रीक का था वहाँ पे, बट कलर शायद अवेलेबल नहीं था. हाँ. बरगंडी कलर नहीं था, तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि गार्नियर परचेज करते हैं. और फिर मैंने भी गार्नियर ही परचेज कर दिया. बेसिकली स्ट्रीक वाला जो था उसमें पहले ब्लीच होती है और उसके बाद कलर अप्लाई करते हैं. इसमें डायरेक्टली कलर अप्लाई कर रहे थे और मेरे में तो नहीं हुआ भाई, मेरे में नहीं हुआ, इनके में भी नहीं हुआ. मेरे को तो और ब्लैक लग रहा है. आई एम तो आउट. चलो मैं आपको सनलाइट वाली क्लिप्स अब अटैच कर रही हूँ. इट दैट इज इट फॉर टुडे. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी रॉ वीडियो में. रॉ वीडियो में वीक में एक कोई भी प्लान कर लूंगी जिसमें हम यही सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे. एंड या दैट्स इट, आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन. सो गाइज, दिस वॉज द रिजल्ट सनलाइट में. और यह शिवांगी मैम के बाल. सनलाइट में थोड़ा बहुत फ़र्क दिख रहा था, लाइक एज यू कैन सी थोड़े बहुत रेड टोन में और पर्पलिश दिख रहे थे, मुझे तो पता नहीं क्यों. बट हाँ, वो थोड़े से कलर में दिख रहे थे, लाइक लग रहा था कि हाँ हेयर कलर थोड़ा सा चेंज है, लाइक ब्लैक से थोड़ा सा चेंज है, बट बहुत रेयर केसेज में. एंड सेम विथ माई हेयर ऑल्सो, आप देख सकते हैं आपको ब्राउन दिख रहा होगा सनलाइट में. मुझे भी सेम, लाइक मुझे इस वीडियो में समझ में आ रहा है कि थोड़े बहुत ब्राउन कलर दिख रहे हैं जस्ट बिकॉज थोड़ा बहुत कलर आया है, बट ये दो तीन वॉश में ये भी चला जाने वाला है. सो आई वॉज नॉट रियली हैप्पी. थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ऑब्वियसली हुआ है, बट या इट्स ओके. नेक्स्ट टाइम हम स्ट्रीक ट्राई करेंगे. एंड या दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.